सोनीपत पुलिस ने हनी ट्रैप के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए सोनीपत कोर्ट के दो अधिवक्ता सहित एक आरोपित महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में गठित SIT टीम को यह सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपित लोगों को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के झूठे मामलों में फंसा कर रुपए ऐंठने का काम करते थे। आरोपियों ने अब तक करीब 12 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर हनी ट्रैप में लाखों रुपए लोगों से ठगे हैं। गांव रोहट निवासी प्रदीप ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर बताया था कि वह सोनीपत कोर्ट में वकालत करता है। बबीता नाम की एक महिला ने दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाया है। इस संबंध में उसके परिचित सुरेंद्र उर्फ जादूगर ने बबीता को अपना परिचय बताते हुए एक मोबाइल नंबर भेजने की बात कही, जो इस केस की पैरवी करने की बात कही। बबीता नाम की महिला ने थाने में जाकर एक शपथ पत्र दिया कि वह दुष्कर्म व जान से मारने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। वहीं पुलिस की तरफ से CRPC की धारा 182 के तहत महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मामले में जब उसने बबीता से अपनी फीस मांगी तो उसने फीस देने से मना कर दिया, जिसको लेकर महिला के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद बबीता ने विजय इंदौरा वकील मनोज दहिया वकील के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा मई माह में नशीला पदार्थ व सामूहिक दुष्कर्म का दर्ज करवाया। पीड़ित ने बताया कि उसे मनोज दहिया व विजय इंदौरा ने मामले में समझौता करवाने के लिए एक चैम्बर में बुलवाया, जहां उससे 8 लाख विजय इंदौरा व मनोज दहिया ने 5 लाख में समझौता करवाने की मांग की। वहीं थाना प्रभारी से कहकर मुकदमा खारिज करवाने व कोर्ट में जमानत करवाने का झांसा दिया। आरोपित महिला बबीता एक स्पोर्टिव एफिडेविट भी देगी, यह भी बताया गया, जिसकी वीडियो मैंने बना ली। उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। उसने दोनों वकीलों से कहा कि वह नाजायज तरीके से ब्लैकमेल करके उससे रुपए ऐंठ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि आरोपी उससे धोखाधड़ी करके ब्लैकमेल से रुपए ऐंठ रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि वह सोनीपत कोर्ट में जज लगा हुआ है। इसकी वीडियो भी उसने बना ली। जिला पुलिस आयुक्त के आदेश पर ECP गोरखपाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। बबीता और मनोज दहिया और विजय इंदौरा वकील ने एक रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवा था सर, जिसके जो मैंने CP साहब को इस मामले से अवगत करा, हमारे बार के सीनियर अधिवक्ता थे वो भी मेरे साथ गए कि जिन्होंने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करवाया है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट, सारी जो भी जांच रिपोर्ट हुई, जो भी पुलिस ने जांच की, उसके बाद सर मैंने अपनी कंप्लेंट दी कि ऐसे लोगों को फंसा कर पैसे ऐंठते हैं। तो जिस सर कमिश्नर साहब के नेतृत्व में और ACP गोरखपाल जी के नेतृत्व में एक SIT टीम बनाई गई, जिससे जी एक इनके ऊपर एक FIR लॉज हुई सर 401/23, जिसमें इन्होंने मुझसे पहले पैसे मांगे थे 30 लाख रुपये, जो बात होते होते कि हम तुम्हारा समझौता करा देंगे, हम SHO से सेटिंग कर लेंगे, अगर SHO ने सेटिंग नहीं की तो हम हाई कोर्ट में जमानत लगवा देंगे, यहाँ पर जमानत लगवा देंगे, यहाँ से तुम्हें रिलीफ दिलवा देंगे, और 5 लाख रुपये में सर बात तय हो गई थी सर। उसके बाद सर SIT बनने के बाद सारी जो भी जांच थी पुलिस ने सारी जांच की, उसके बाद कल इनको गिरफ्तार करके और सर आज पेश करेंगे सर। सर फिलहाल तो अभी तक तो यही सामने आया कि महिला के साथ एक तो मनोज दहिया वकील जो मैं लाना का है वैसे तो, और एक विजय इंदौरा वकील है जो गली नंबर 4 का सोनीपत में प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक तो 2 ही लोगों का सामने आया सर। ACP गोरखपाल राणा ने बताया कि 3 महीने पहले का मामला है, जिसमें 2 मामले सामने आए थे, जहां गन्नौर के बड़ी थाना और सोनीपत में सिटी थाना के अंतर्गत मामला सामने आया था, जहां बड़ी थाना के अंतर्गत दिनेश से ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं सोनीपत में मनोज दहिया और विजय इंदौरा दोनों पेशे से वकील हैं। दोनों ने मिलकर हनी ट्रैप मामले में पीड़ित पक्ष पर मामला दर्ज करवा दिया था और मामले की जांच में जब सच सामने आया तो वह मुकदमा कैंसिल कर दोनों वकील और महिला आरोपी के खिलाफ हनी ट्रैप और अवैध उगाही का मामला दर्ज किया है। वहीं मामले में CCTV फुटेज और ऑडियो भी सबूत के तौर पर सामने आए थे। वहीं पूरे मामले में जांच करने के बाद 2 वकील और 1 महिला को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस ग्रुप द्वारा 12 से 13 मामलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें हनी ट्रैप के अंदर 3-4 महीने पुराना मैटर है, 3 महीने के लगभग 2 मामले हुए थे, हमारे बड़ी में था यहाँ पर बड़ी थाने में, और दूसरा सोनीपत का था।
तो इसके अंदर जो था बड़ी वाले के अंदर कोई एक दिनेश ठेकेदार के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, उसके अंदर हमने दो लेडीज एक जेंट्स को गिरफ्तार कर लिया था और उसके अंदर दो तीन गिरफ्तारियाँ भी बकाया है उसके अंदर, जिसमें एक लेडीज को रात को कल हमने उठा लिया, उसको आज कोर्ट में पेश करेंगे। और इसके अलावा एक मैटर सोनीपत थाने का था, वो भी हनी ट्रैप का ही मसला था। प्रदीप नाम का वकील, उसको एक बबीता नाम की एक लेडीज और एक दो उसके साथ एडवोकेट हैं मनोज दहिया और विजय इंदौरा, इन्होंने मिलकर के इसको एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया। उस मुकदमे की जब उसमें इन्वॉल्वमेंट आ गई तो उसमें हमारे सीपी साहब को जो है सतीश बाली सर को कंप्लेंट की कि मेरे साथ मामला गलत हुआ। उसमें हमने जांच करी, जांच करने के बाद वो मुकदमा कैंसिल किया गया और इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का हनी ट्रैप के अंदर मामला दर्ज कर दिया गया, क्योंकि साक्ष्य हमारे पास क्लियर है, इसके अंदर वीडियो फुटेज और ऑडियो दोनों हमारे पास थे, पैसे की डिमांड की उसके बेस पर मुकदमा दर्ज किया था। और कल बीच में भी इन्हें काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि ये पेशेवर वकील हैं थोड़ा बहुत बसते रहे, कल हमारे दोनों काबू आ गए, दोनों ये और एक वो जो लेडीज थी तीनों हमारे काबू आ चुके हैं, तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। मेरी नियुक्ति यहाँ पर लगभग तीन महीने चार साढ़े तीन महीने से है, तो मैंने जब पिछले रिकॉर्ड उठाया तो लगभग पिछले एक साल के अंदर 12-13 मुकदमे जो हैं वो इस तरह के दर्ज हुए इसमें, ये और वो इसी ग्रुप के मुकदमे हैं सर। सोनीपत से जगत महान न्यूज़ की रिपोर्ट।